मेरा नाम डॉक्टर नादिया जवाद है, मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन पे एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज टीबी के हवाले से कुछ बात करूँगी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में कम इंफॉर्मेशन है लोगों को। लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास या ओवरक्राउडेड जगहों पे ज़्यादा होती है, लेकिन हम अब देख रहे हैं अपने हमारे प्राइवेट सेक्टर में जहाँ मिडिल टू हाई इनकम लोग भी आते हैं, उधर भी अब बढ़ता जा रहा है इसका डायग्नोसिस बढ़ता जा रहा है। तो हम एक एंडेमिक एरिया में रहते हैं, यानी यहाँ पाकिस्तान साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है टीबी, तो हम सबका ही एक्सपोजर थोड़ा बहुत हो चुका होता है अपने यंग एडल्ट लाइफ में ही, और हमारी बॉडी उसको काउंटर भी कर लेती है। लेकिन जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे कि कुछ किडनी की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायबिटीज़, या खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए या HIV, तो इन कंडीशंस में टीबी के जरासीम एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो डिजीज़ यानी बीमारी कॉज करते हैं। तो इसकी टीबी की मेन अलामत में जो सीने की टीबी होती है, वैसे टीबी कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब सीने की टीबी होती है तो खांसी और सांस फूलना, कभी कभी कुछ लोगों को खून भी आ जाता है खांसी में, और कुछ लोगों को बुखार ऑन एंड ऑफ, एक दिन हो गया, दो तीन दिन बाद दोबारा से हो गया, तो इस तरह का फीवर जो दो हफ्ते, एक हफ्ता चलता रहे, महीनों चलता रहे, इसके साथ साथ वेट लॉस होना, भूख में कमी आना, जनरली तबीयत डाउन रहना, तो ये कुछ अलामत होती हैं जो टीबी और कैंसर दोनों की होती हैं। तो इसलिए इस तरह की अगर आप किसी को भी अलामत आएँ तो काइंडली अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करें और चेकअप करवाएं, ताकि इसकी जल्द तशखीस हो सके। जब तशखीस हो जाती है तो ट्रीटमेंट भी हो जाता है, इसलिए इसको भी जहन में रखें। जो लंबे अरसे की खांसी और बुखार चलता रहे तो उसको फौरन कंसल्ट करें उस हवाले से।